वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 21 जो 29 जुलाई 2020 की है। ये क्लास 6 एंड 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। आइए चलते हैं वर्कशीट की तरफ। व्हाइल क्लीनिंग हर क्लोथ्स अलमीरा, सरोज आंटी एक्सप्लेन टू रेनू दैट अवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। तो यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, रेनू और सरोज आंटी। सरोज आंटी जो है रेनू को बता रही हैं कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं, एंड फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर्स जो है हमारे नेचर दो तरीके से मिलते हैं, एक नेचुरली और एक मैन मेड, जिसे हम सिंथेटिक भी बोलते हैं। तो कुछ हमारे नेचुरल फाइबर्स हो गए कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कोर एंड हेम्प। सो और यहाँ पर हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हो गए नायलन, पॉलिस्टर, ये आपको आपके सराउंडिंग में यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही फेमस होते हैं, नायलन की रोप्स हो जाती हैं, पॉलिस्टर के कपड़े भी होते हैं। सो ये हो गए कुछ इनके फाइबर्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करे जाते हैं फैक्ट्रीज में और आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं फ्रॉम केमिकल्स। सो ये आपको थोड़े से सस्ते मिलते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। आप खुद सोच सकते हैं कि ये सस्ते क्यों होते हैं। आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। बाय चूजिंग द करेक्ट फाइबर्स कमिंग आउट ऑफ द मैजिक बॉक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं जूट, वूल, नायलन, कॉटन, प्लास्टिक, सिल्क, इनको देखते हुए इनको हम फिल करने की कोशिश करते हैं। सो पहला, माय मदर वेयर दिस ब्यूटीफुल डैश सारी ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो आप सबको पता है कि स्पेशल ओकेजन पे तो अच्छी सी साड़ी पहनी जाती है जो है सिल्क की। तो हम यहाँ पे सिल्क लिख देंगे। दिस इज माई ग्रैंड मदर्स शॉल विच इज मेड अप ऑफ। आपको भी बताया कि शॉल किससे बनता है? यस, वूल से। उम्मीद करता हूं आपके सारे आंसर अभी तक ठीक आ रहे होंगे। ऑन दिस मैट आई यूजली सिट एंड स्टडी इट इज मेड अप ऑफ। सो मैट किससे बनता है? आप इमेज से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इमेज देखें, यहाँ पर इमेज किस चीज की दे रखी है? कॉटन, कॉटन से बनता है। नेक्स्ट आ जाता है, माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट इन दिस बैग विच इज मेड अप ऑफ। यहाँ हम सबके पास होना चाहिए बैग, आज की डेट में प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। बताओ ये कौन सा बैग है? यस, यू आर राइट, जूट बैग। सो अभी तक के सारे आंसर उम्मीद करता हूँ आप सबके सही हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, माई सॉक्स एंड दीज रोप्स आर मेड अप ऑफ। अभी अभी हमने एक फोटो दिखाई थी जिसके अंदर मैंने बताया भी था जो रोप्स होती हैं वो किससे बनी होती है? नायलन की। आप शॉक हो गए होंगे ये जान के कि आपकी सॉक्स भी, कुछ सॉक्स, सारी नहीं, कुछ सॉक्स जो होते हैं वो नायलन की भी बनी होती है। ज्यादातर नायलन से हम रस्सी बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, पैराशूट बनाते हैं और बहुत सारी चीजें नायलन से बनती हैं। सर्च करें इसके बारे में कि कहाँ कहाँ पे नायलन यूज होता है, बहुत जगहों पर यूज होता है। Whereas this chair and these bottles are made up of plastic. Yes, you all know. So, आपका ये हो गया, सारे के सारे फिल द ब्लैंक्स हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम माई हेयर। सो हेयर किससे निकलता है? शीप से। तो हम यहाँ पर शीप लिख देंगे। आई एम स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम माई फाइबर्स आर कॉस्टली। सो कॉस्टली फाइबर जो है सिल्क वॉर्म से बनता है। सो आपके घर में या फिर किसी ना किसी के पास ये सिल्क की साड़ी होगी, जो सिल्क जो बनता है वो सिल्क वॉर्म से बनता है। आई एम मैन्युफैक्चर फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज, आई एम हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट बट यूजफुल टू ह्यूमंस। सो आपको ये पता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि आपकी चेयर किससे बनी होती है? प्लास्टिक से, जो ह्यूमन के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है बट एनवायरमेंट के लिए इतनी यूजफुल नहीं है। तो हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी चीजें हम इनको यूज कम से कम करें। आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
मेक अ लिस्ट ऑफ 5 यूजफुल आइटम्स मेड फ्रॉम वूल एंड कॉटन फाइबर्स। ये आप खुद भी कर सकते हैं, बट ये मैंने अपनी लिस्ट दी है जिसको आप यहाँ पे देख के आइडिया ले सकते हैं, बट कोशिश करें आप अपनी खुद एक लिस्ट बनाए। सो वूल की 5 आइटम मैंने लिखी है, कैप, सर्दी लगती है तो हम कैप पहन लेते हैं, टोपी कहते हैं इसको हम, स्वेटर हो गया, सॉक्स हो गई, ब्लैंकेट हो गया, स्कार्फ हो गया, या आप जैसे वहाँ पे शॉल लिखा था आप शॉल भी लिख सकते हैं। कॉटन के लिए शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स भी होती हैं, पजामास, हैंकरचीफ मतलब रुमाल, बैग्स, कुर्ता। तो आपके मन में जो जो क्वेश्चन जो भी आंसर आ रहे हो आप अपने सारे आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। और एनी 3 हार्मफुल प्लास्टिक आइटम्स विच वी शुड नॉट यूज इन अवर डेली लाइफ। तो 3 हार्मफुल आइटम्स बतानी है, तो मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, वैसे आपको पता ही होगा बहुत सारी हार्मफुल आइटम्स है जो हम आसपास यूज करते हैं प्लास्टिक की। चलिए देखते हैं, बहुत सारी हार्मफुल आइटम्स यूज कर रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक बैग, बहुत ही मुश्किल से डिकम्पोज होता है, ये हो ही नहीं पाता सालों सालों तक, और जब जलाया जाता है तो टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं। तो कोशिश करें कम से कम यूज करें, जूट बैग यूज करें। बॉटल्स हो गई, बॉटल्स प्लास्टिक बॉटल्स की जगह पे आप दूसरी बॉटल्स यूज करें। आज की डेट में बहुत सारी और डिफरेंट तरीके की बॉटल्स आ चुकी हैं। अब आज की डेट में तो मास्क हो गए, मास्क प्लास्टिक के ना यूज करके, सिंथेटिक के ना यूज करके कॉटन के मास्क यूज करें जिसको आप वॉश भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वर्कशीट के साथ। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर वीडियो अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद। Thank you for watching. See you in the next video.